इलेक्शन धमाका बिहार। बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से बक्सर से सांसद अश्वनी चौबे, सासाराम से सांसद शेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट कट गया है। और खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया उनमें गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, साथ ही इस फहरिस्त में रामकृपाल यादव, आर के सिंह और सुशील सिंह का नाम शामिल है। पटना साहिब, जहां से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बीजेपी की पांचवी लिस्ट में नाम सामने आया तो सीधे कहा कि पार्टी ने जिस तरह से उन पर भरोसा जताया है उसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं, उनके नेतृत्व का जो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है आभार व्यक्त करते हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। इलेक्शन धमाका यूपी। पांचवी लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने यूपी में अब तक कुल 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये लिस्ट यहां पर सामने आई है और इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है और उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा गया है। यानी कि वरुण गांधी पर बीजेपी ने इस बार भरोसा नहीं किया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम लिस्ट में जरूर मौजूद है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से दावेदारी करेंगी। इस लिस्ट में यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है तो नए चेहरों को मौका दिया है। कई ऐसे दिग्गज हैं जो अब जनता के बीच में नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने महामंथन के जरिए यह पूरा फैसला लिया है कि जिसके रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है, जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, वो दोबारा से चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से नहीं उतरेगा। धमाका बरेली लोकसभा, जहां की सीट पर 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, जिसमें उन्होंने इस मौके पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 के पार होगा। देखिए, जिन जिन को टिकट मिला है वो अपनी तरफ से पार्टी का आभार जता रहे हैं, साथ ही 400 पार का एक बार फिर दावा कर रहे हैं। बरेली लोकसभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन और यहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जिताकर देगी और जो 400 का लक्ष्य, अब की बार 400 पार, बरेली भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी। मैं अंत में फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और देखिए, बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट में ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि अंतरखेमे से यह निकलकर भी सामने आ रहा है था कि ओडिशा की 21 सीटों के लिए बीजेपी अपनी लिस्ट में सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पूरे से उम्मीदवार बनाया है। यानी कि संबित पात्रा पर फिर से यहां पर जो है एक बार फिर से बीजेपी ने अपना विश्वास जताया है, जबकि भुवनेश्वर से मौजूदा सांसद अपराज
अजित सारंगी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने बारगढ़ से प्रदीप रोहित, सुदरगढ़ से जुएल ओराम, क्योंझा से अनंत नायक, मयूरभंज से नाबा चरण माझी, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और भद्रक सीट से अभिमन्यु सेठी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। मेरा पूरा भरोसा है पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जिताया है संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे।